देख रहे हैं ARPV चैनल। 64वां AIMIM पार्टी फाउंडेशन डे आज दारुसलाम में मुनक्कद किया गया था, जिसमें फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मौके पर अरकान असेंबली कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तुम मेरे सदर को डरा दोगे या मजलिस डर जाएगी तो या ये डर जाएंगे। अरे अहमको नादानो, ये गोलियों से तो हमारा बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। अल्लाह अगर इस सरजमीन को जबान देगा तो ये गवाही देंगी गोलियों और हथियारों से हमारी निस्बत की। ये जमीन गवाही देगी, ये अब का नहीं बहुत पुराना रिश्ता है, डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हां ये जरूर कहूंगा, खुदारा इस बात को समझो, हमारे दुश्मन आज हमको खत्म करना चाहता है तो क्यों खत्म करना चाहता है? वो आपकी आवाज को खत्म करना चाहता है। हमको खत्म करके वो समझ रहा है कि आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। कल को असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, रोजे खयामत तक ये दारुसलाम आबाद रहेगा और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदा रहेगी। सालार कहते थे, आज हम काम कर रहे हैं। कामयाबी व नाकामी तो अल्लाह के हाथ है, कामयाबी व नाकामी अल्लाह के हाथ है। आज लोग बोल रहे हैं कि यूपी क्यों गए, वो गोलियां ऐसे मारे, वो गोलियां उधर लगी। अफसोस होता है, अफसोस होता है। अरे हम अपनी जान को हथेली में रखकर हम मिल्लत के लिए निकले हैं, हम यतीम नहीं हैं। हमारे मरने पर हमारे जनाजों पर भी रोने वाली हमारी औलाद है, हमारी बूढ़ी मां है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, बीवी है, हमारे जनाजों पर रोने वाले हैं। फिर भी हमको अपनी जानों की परवाह नहीं। परवाह है तो अपनी कौम की, परवाह है तो अपनी मिल्लत की, परवाह है तो अपनी बेटियों की, परवाह है तो अपने बच्चों की, परवाह है तो अपने बुजुर्गों की। और आज ये बातें कि गोली नीचे लगी, अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। अरे दो गोली खाकर तो देखो, जब पता चलेगा कि गोली खाने का दर्द क्या होता है। चाकू का एक जर्ब तो खाओ, उसके बाद पता चलेगा कि जख्म का दर्द क्या होता है। अल्लाह उसके रसूल की आजम 10 साल हो चुके, एक भी रात बगैर कर्व व दर्द के नहीं गई, एक भी रात इत्मीनान से सो नहीं पाया, एक भी रात बगैर दर्द के नहीं गुजरा। अरे हम जानते हैं लेकिन इस दर्द को छुपाते हैं, किस लिए? ये सर हमारा नहीं है, ये सर कौम मिल्लत का सर है। अगर इस सर पर, इस चेहरे पर अगर जख्मों का कर्व आ जाएगा तो दुनिया हमारी कौम को कमजोर समझेगी। इसलिए आज भी दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी खड़े हो हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए जो हमारे वजूद और हमारी शिनाख्त को मिटाना चाहते हैं। आपके लिए अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह ने हमारे सदर को महफूज रखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको महफूज रखे।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये अदना सिपाही तेरी बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करता है और ये दुआ मांगता है कि मौला तू मेरे सदर की हिफाजत कर ले, अगर तुझे चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर मेरी जान के एवज मेरे सदर की जान की हिफाजत कर ले। कौम मिल्लत को अकबर ओवैसी की जरूरत नहीं है, कौम मिल्लत को असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत है, मजलिस को असद ओवैसी की जरूरत है, कौम और हिंदुस्तान की मजलूम मुसलमानों को जरूरत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत है। ऐ अल्लाह तू उनकी जान की हिफाजत फरमा। आप देख रहे हैं